खानदान की नाक कटवा दी। क्यों गया था वहाँ पर? शर्म कहीं का? भैया, हाथ क्यों उठाया? अरे क्या रात दिन सास बहू के झगड़े देखते रहते हो? इधर आओ, ये देखो। व्हाट? कंचना महल? हाँ मैंने एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ था पूछ रहा है? पता है वहाँ कितने लोग मर गए? लोग कैसे मरे, क्यों मरे, कोई नहीं जानता। हर कोई अलग अलग कहानी सुनाता है, लेकिन सारी कहानियों में कुछ बातें कॉमन है। अगर उनकी बातों को जोड़ा जाए तो शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। 19वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय चेन्नई के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे पुर्तगाल के सेली जॉन कंचना डी मोंटी। विवाह के बाद डी मोंटी अपनी पत्नी को सेलिना कंचना डी मोंटी के नाम से बुलाने लगे। जॉन डी मोंटी की शादी की 10वीं सालगिरह पे उनकी मां ने उन्हें एक नायाब तोहफा दिया, लेकिन उसी दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो तोहफा था एक लॉकेट, कंचना लॉकेट। मेरी बीवी का ख्याल रखना। डी मोंटी दंपति को दो बेटे और एक बेटी थी। वक्त गुजरता गया, बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया गया, और उसी दौरान सेलिना बीमार रहने लगी। उसने अपने तीनों बच्चों को भारत बुलवाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक हादसे में तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। मायूस जॉन कंचना डी मोंटी ने अपना सारा कारोबार बेच दिया और वापस कंचना महल लौट आए। और महल पहुंचते ही वो सीधे अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे। सर, आपको एक बात बतानी है। मैडम की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है सर, फीवर है और साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं। मैंने दवाई तो दे दी थी पर कुछ असर नहीं हो रहा। सर, कई दिनों से इनकी तबीयत बहुत खराब है, इन्हें काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट करके देख लिया, लेकिन तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये देखिए सर। Jonathan, जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। You can leave now. जॉन डी मोंटी गॉड से प्रेयर करने लगे कि उनकी पत्नी सही सलामत रहे। She is 3 months pregnant. उनकी यूट्रस पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ब्लीडिंग भी हो रही है। लगता है इनका रेप हुआ है। यूट्रस को निकालने के लिए हमें उनका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं इस बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि वही ऑपरेशन करेंगे। अभी के लिए जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी। ना मेरी बीवी और ना ही उसके बारे में कोई खबर इस घर से बाहर जाएगी। उसका जो भी इलाज किया जाएगा वो सब इसी घर में होगा। ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ होगा, मैं उन्हें इस तरह से यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर मानसिक रूप से प्रभावित हो चुके डी मोंटी डॉक्टर को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें उनकी बीवी का इलाज करने के लिए उन्हें महल से बाहर ले जाना ही होगा। ये
इतनी सुरक्षा के बावजूद ये घटना महल के अंदर हुई है, इसका मतलब ये काम महल में रहने वाले किसी इंसान का ही है। और ये बात जॉन डी मोंटी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बदले की आग में जॉन डी मोंटी ने अपने सारे नौकरों को बेरहमी से भून डाला। साहब, आपने इसे क्यों मारा? साहब, अरे साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा साहब, मुझे मत मारना साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे मत मारना, नहीं। हेलो, कहाँ छुपे हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा। जॉन डी मोंटी ने कंचना महल को पूरी तरह जला दिया। इस घटना को हुए 300 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस महल में है। जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, ना वो जिंदा लौटा, ना ही उसकी लाश मिली। कई लोगों ने इस कहानी पर भरोसा नहीं किया और उस महल में पहुंच गए। आज तक उन लोगों की आत्मा कंचना महल में भटक रही है। एक आदमी ने उसे खरीदा, मरम्मत के लिए कुछ पेंटर्स भेजे, पूरा एक दिन मरम्मत का काम चला, लेकिन अगले दिन कोई मजदूर काम पर नहीं पहुंचा। जिंदा होते तो पहुंचते ना। 10 में से 2 पेंटर्स की सिर्फ लाशें मिली। एक के हाथ में कट्टा था और दूसरे की आंखें निकली हुई थी। उस हादसे के बाद वहां एक वॉचमैन रखा गया, लेकिन अगले दिन सुबह जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था, उसी पेड़ पे फांसी पे लटका पाया गया। भक्त इसना, तू क्या फिल्मी कहानी सुनाई है इसने? और क्या? ओके, अपन तेरी बात मानता है। अपन लोग भी तो कल जाकर आया उधर, अपन लोग को तो कुछ नहीं हुआ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग जिंदा हैं, उस महल में ऐसा कुछ नहीं है, इस बात के हम लोग गवाह हैं। ये कहानी और कुछ नहीं, किसी की उड़ाई हुई अफवाह है। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं उस महल में किसी और वजह से गया था। जॉन डी मोंटी की वाइफ सेलिना के पास बहुत ही कीमती लॉकेट था, और जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो उस घर के बारे में सब कुछ जानने वाले एक काका से मिला। मैं कई सालों से यहीं रह रहा हूं, लेकिन आज तक उस कंचना महल में जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ साल पहले उस महल में 2 लोगों की लाशें मिली, उसके बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। उन दोनों लोगों ने महल से डी मोंटी के तोहफे में दिए लॉकेट को चुराने की कोशिश की। कहते हैं इसी वजह से उन लोगों की मौत हुई, पर लॉकेट उनके पास नहीं मिला तो लोगों को लगा कि उसे कहीं बेच दिया। आखिर वो लॉकेट कहाँ मिला?
शायद उस लॉकेट में कोई जादुई शक्ति है। कोई भी उसे ले जाए लेकिन वो कंचना लॉकेट वापस महल में आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो सिर्फ कबाड़ ही पड़ा था, मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ और था। नहीं, लॉकेट था। ये रहा वो कंचना लॉकेट। जानते हो इसकी कीमत क्या है? 100 करोड़ से भी ज्यादा। अब ऐसा स्टोन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस स्टोन के बारे में मैंने बाहर भी पूछताछ की और पता चला है कि ये करोड़ों में बिकता है। क्या बात कर रहा है मैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। पूरा लॉकेट बेचेंगे तो हम सब फंसेंगे, लेकिन इसके छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह बेच सकते हैं। ऐसा करने से हम चारों बहुत पैसे कमाएंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। और ये रॉन्ग है मैन। अगर इसने जो किया उससे अपना फ्यूचर सुधर सकता है तो इसने जो किया वो रॉन्ग नहीं है। लोग क्या क्या बेईमानी करते हैं, वो लोग कभी फंसते हैं क्या? ना इसने किसी गरीब को लूटा है, ना ही किसी के गहने चुराए हैं। ये कंचना लॉकेट तो बेकार ही पड़ा था ना। अगर हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उसमें गलत क्या है? तू घबरा मत राघव, मैं तेरे साथ हूँ।